हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अभिषेक और आप देख रहे हैं अमेजिंग फैक्ट हाउस। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जिसे हम सभी में से बहुत लोग मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सही है तो गलत भी है, अगर भगवान है तो शैतान भी है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बात करेंगे जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या हम लोग जो समझते हैं, जो देखते हैं, जो मानते हैं वो सच है या फिर सच कुछ अलग है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के अनुसार अगर आप एक दिन में 200 लोगों को देखते हैं तो उनमें से लगभग 3 से 4 लोग आपको ऐसे दिखते हैं जो कि जिंदा हैं ही नहीं, पर फिर भी आप उन्हें देख सकते हैं। अब जिस इंसान का चेहरा आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम है एडवर्ड मॉडरेक। इनके बर्थ से ही इनके पास 2 चेहरे थे। इनका जो दूसरा चेहरा था वो कभी कोई बात नहीं करता था, केवल वो हंसता था और रोता था। ये डॉक्टरों के पास कई बार गए कि सर्जरी से इनका फेस निकाल दिया जाए, क्योंकि इनका कहना था कि वो चेहरा रात में इनके कान में कुछ खुसफुस खुसफुस करता रहता है जो कि बहुत डरावना था। इसी कारण इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही सुसाइड कर लिया था। आप सभी इस बोर्ड के बारे में जानते होंगे, इस बोर्ड का नाम है ओइजा बोर्ड। लेकिन आपको पता है कि किसी को भी नहीं पता इस बोर्ड को किसने बनाया। जब पहली बार इसे चलाया गया था तो उस चलाने वाले ने आत्मा से पूछा था कि इसका नाम क्या है, तो उस आत्मा ने बताया था कि इसका नाम ओइजा बोर्ड है। दोस्तों, एक रियल घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ जो कि साथ रहते थे, एक दिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को दूर जंगल में गाड़ के आ गया। उसे ये डर था कि उनका छोटा बेटा उससे पूछेगा कि पापा मम्मी कहाँ हैं, पापा मम्मी कहाँ हैं। एक दिन रात को जब वो अपने बेटे के साथ खाना खा रहा था, उसका बेटा उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहा था। उसने पूछा, पापा एक बात बताइए, आपने इतने दिनों से मम्मी को कंधे पे क्यों उठाया हुआ है, क्या उनकी तबीयत खराब है पापा? दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप सपने में हर दिन किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा और जिसे आप कभी नहीं जानते हैं, तो आपको पता है वो उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट आत्मा होती है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। ऐसा कई बार होता है कि आप लोगों की नींद 2 से लेकर के 3 बजे के बीच में लगातार टूट जाती है, और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, उस समय आत्माएं आपके घरों की खाली कुर्सियों पर आकर के बैठी रहती हैं और वो आपको लगातार देखती हैं। ये आपको नहीं पता चलता है, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये बातें पता चल जाती हैं और वो इस बात को भाप के आपकी नींद खोल देता है। अगली बार दोस्तों, अगर आपकी नींद ऐसे खुले तो फिर से वैसे ही सो जाइएगा। दोस्तों, अगर आपकी नींद रात को अचानक बिना किसी कारण खुल जा रही है कई दिनों से, और एक दिन अचानक आप उठते हैं और आपको लगता है कि कहीं पे कोई है, तो प्लीज़ उसके पास मत जाइएगा। किसी भी हिलती चीज़ के पास न जा कर के केवल और केवल भगवान का नाम लिख के सो जाइएगा, वरना अगर आप उस चीज़ के पास गए तो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।